हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। दिस इज योर फ्रेंड सागर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के ऊपर। हालांकि इससे पहले एक वीडियो बनाकर जो है मैंने बता रखा है कि टोक्यो ओलंपिक जो रिसेंटली अभी हुए हैं 2020 के, उसी के साथ में पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को किस स्पोर्ट्स पर्सन ने किस डिसिप्लिन में जो है मेडल दिलवाया है, वो पूरा का पूरा जो है वहां पे बता रखा है। बट आज की वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जेकेएसएसबी या फिर जेके पीएससी के कम्पिटेटिव एग्जाम्स में या फिर किसी भी अदर स्टेट के कम्पिटेटिव एग्जाम्स की, क्योंकि हर एक पोस्ट की अगर बात की जाए तो नेशनल इवेंट्स या फिर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है एक बड़ा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर एक जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के ऊपर रहेगा। हालांकि बहुत से स्पोर्ट्स अवार्ड्स रहते हैं और पूरा का पूरा स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही मैं उन स्पोर्ट्स पर्सन के नाम और डिसिप्लिन बताऊंगा यहाँ पे जिन स्पोर्ट्स पर्सन को जो है नेशनल अवार्ड 2021 जो है दिए जा रहे हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते और डायरेक्टली मैं आपको स्पोर्ट्स अवार्ड की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले अवार्ड की बात की जाए तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, मेजर ध्यान चंद खेल रत्न अवार्ड 2021, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन और डिसिप्लिन जो है आप मेरे इंटरफेस में देख पा रहे हैं। सबसे पहली बात की जाए नीरज चोपड़ा जो कि जानी मनी हस्ती अभी बन चुके हैं, इवन सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा पोस्ट इनकी वायरल की जाती हैं, जिन्होंने भारत को टोक्यो 2020 में जुविनाइल एथलेटिक्स में जो है गोल्ड मेडल दिलवाया है। तो नीरज चोपड़ा जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 जो है इनको दिया जाएगा। उसी के साथ में बात की जाए रवि कुमार, इनके डिसिप्लिन की बात की जाए तो रेसलिंग रहेगा। लोविना भोड़गोइन, इनका जो है बॉक्सिंग डिसिप्लिन रहेगा। श्रीजेश पीआर हॉकी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं। उसी के साथ में अवानी लेखारा पैराशूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नगर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैराशूटिंग, मिथाली राज क्रिकेट, सुनील चेत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह हॉकी। ये कुल मिला के 12 स्पोर्ट्स पर्सन है और इनके डिसिप्लिन जो है आप मेरे इंटरफेस में देख पा रहे हैं। इन सबको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 जो है वो दिया जा रहा है। उसी के साथ में बात करेंगे अर्जुना अवार्ड जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2021 का, वो किन किन जो है स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जा रहा है। तो सबसे पहला नाम यहाँ पे आ रहा है अरपिंदर सिंह जो कि एथलेटिक जो है इनका डिसिप्लिन है। उसी के साथ में सिमरनजीत कौर की अगर बात की जाए तो बॉक्सिंग में दिया जाएगा, इनका डिसिप्लिन जो है वो बॉक्सिंग है। उसी के साथ में शिखर धवन क्रिकेटर जो है भारत के जाने माने क्रिकेटर हैं, इनको भी जो है अर्जुना अवार्ड से जो है अर्जुना अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। उसी के साथ में के साथ वंदना कटारिया हॉकी डिसिप्लिन जिनका है, इनको भी जो है अर्जुना अवार्ड दिया जा रहा है। हिमानी उत्तम परब मलखम जो है इनका डिसिप्लिन है, इनको भी जो है अर्जुना अवार्ड दिया जा रहा है। अभिषेक वर्मा को शूटिंग में जो है इनका डिसिप्लिन है, इनको अर्जुना अवार्ड दिया जा रहा है। अंकिता रैना टेनिस में जो है इनका डिसिप्लिन है और इनको अर्जुना अवार्ड दिया जा रहा है। दीपक पुनिया रेसलिंग रेसलर है जो जिनको जो है रेसलिंग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली अर्जुना अवार्ड जो है 2021 दिया जा रहा है। उसी के साथ में दिलप्रीत सिंह है हॉकी डिसिप्लिन है, हरमानप्रीत सिंह है हॉकी डिसिप्लिन है। उसी के साथ में आप पूरी हॉकी जो है हॉकी टीम के जो है सभी प्लेयर्स हैं उन सबके जो है नाम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ब्रॉन्ज मेडल जहाँ पे टोक्यो 2020 में आपको देखने को मिला था भारत के लिए। उसी के साथ में पैरा एथलेटिक्स की बात की जाए तो जोगेश कथुनिया को जो है यहाँ पे अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। निषद कुमार पैरा एथलेटिक है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक हैं, सुभाष यथिराज जो है जे भी पैरा एथलेटिक हैं, सिंह राज अरदना पैरा शूटिंग में जो है इनको अवार्ड दिया अर्जुना अवार्ड दिया जा रहा है। उसी के साथ में सुहास यथिराज की अगर बात की जाए तो पैरा बैडमिंटन जो है इनका डिसिप्लिन रहेगा। भवीना पटेल की बात की जाए तो पैरा टेबल टेनिस जो है इनका डिसिप्लिन रहेगा। हरविंदर सिंह का पैरा आर्चरी रहेगा। उसी के साथ में शरद कुमार का जो है पैरा एथलेटिक जो है डिसिप्लिन रहेगा। इन सभी के सभी 35 स्पोर्ट्स पर्सन को जो है अर्जुना अवार्ड 2021 से जो है नवाजा जा रहा है। उसी के साथ में बात करेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचिज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा पहले जो है ध्यानचंद अवार्ड था और अब जो है द्रोणाचार्य अवार्ड है और ये कोचिज को दिया जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2021 पे जो है बताया जा रहा है। सबसे पहले बताया गया है कि टीपी उसुप एथलेटिक के जो कोच थे इनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। उसी के साथ में सरकार तलवर जो कि क्रिकेट के कोच हैं इनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। सरपाल सिंह हॉकी के जो है कोच इनको भी जो है द्रोणाचार्य अवार्ड से जो है नवाजा जा रहा है। उसी के साथ में अर्शान कुमार जो कि कबड्डी डिसिप्लिन से है इनको भी जो है
द्रोणाचार्य अवार्ड जो है दिए जा रहे हैं, और तपन कुमार पनिग्रही इनको जो है स्विमिंग के कोच हैं, इनको भी जो है द्रोणाचार्य अवार्ड जो है दिया जा रहा है। हालांकि पहले स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया था, अब जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोचिज की। और देखिए किस तरह से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि सरपाल सिंह जो कि कोच हैं हॉकी टीम के, उनको जो है कौन से अवार्ड से जो है 2021 पे जो है नमाजा गया है, और उस पर आपको जो है करेक्ट आंसर रहेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। उसी की तरह से डिफरेंट तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को घुमाकर जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। उसी के साथ में अगर आप बात करें लाइफ टाइम कैटेगरी के जो है कोचेज मैंने आपको बताए थे, अब बात करेंगे रेगुलर कैटेगरी में, तो रेगुलर कैटेगरी में राधाकृष्ण नायर पी को जो है एथलेटिक डिसिप्लिन जिनका था उनको जो है इन कोच को जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। उसी के साथ में संध्या गुरुंग जो कि डिसिप्लिन जिनका बॉक्सिंग है इनको भी जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। प्रीतम शिवज की बात की जाए तो हॉकी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं और इनको भी जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। जयप्रकाश नोटियाल जो कि पैराशूटिंग डिसिप्लिन से है इनको भी जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। उसी के साथ में सुब्रमण्यन रमन टेबल टेनिस डिसिप्लिन से जो बिलोंग करते हैं इनको भी जो है द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया जा रहा है। उसी के साथ में अब बात करेंगे ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2021। तो सबसे पहला नाम जो है यहाँ पे आ रहा है लेखा केसी जो कि बॉक्सिंग डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं और इनको जो है ध्यानचंद अवार्ड दिया जा रहा है। उसी के साथ में अभिजीत कुंते जो कि चेस से बिलोंग करते हैं, चेस डिसिप्लिन है उनका, इनको भी जो है ध्यानचंद अवार्ड दिया जा रहा है। उसी के साथ में दविंदर सिंह गर्चा जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं डिसिप्लिन से, इनको भी जो है ध्यानचंद अवार्ड दिया जा रहा है। विकास कुमार जो कि कबड्डी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं इनको भी जो है ध्यानचंद अवार्ड दिया जा रहा है। उसी के साथ में सज्जन सिंह जो कि रेसलिंग से बिलोंग करते हैं इनको भी जो है ध्यानचंद अवार्ड दिया जा रहा है। फिलहाल ये कुछ स्पोर्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 है जो कि किस किस कैंडिडेट स्पोर्ट्स पर्सन को जो है दिए जा रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है आपको मैंने बताया, उसी के साथ में डिसिप्लिन बताए हैं। तो इसी तरह की फर्दर वीडियोस के लिए जो है बने रहिएगा जॉब्स अपडेट पॉइंट के साथ। आने वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अपडेट रहती है वो पूरा का पूरा जो है आप इस चैनल में देख सकते हैं। सो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए।